बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। शाम 5:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद हो सकता है ऐलान। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की भी बैठक आज। मिशन पूर्वांचल पर निकली प्रियंका गांधी वाड्रा की बोट यात्रा का दूसरा दिन है आज। मिर्जापुर दौरे पर मां विंध्यवासिनी का करेंगी दर्शन। होली के दिन बनारस पहुंचकर दौरे का समापन। प्रियंका के वाराणसी पहुंचने से पहले उनकी काशी विश्वनाथ मंदिर यात्रा का विरोध। वकीलों के एक समूह ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, प्रियंका को ईसाई बताकर काशी विश्वनाथ मंदिर जाने पर एतराज जताया। यूपी के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। लेफ्ट से गठबंधन पर नहीं बन पाई बात, 42 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान। इससे पहले यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन ने ठुकराया था कांग्रेस का ऑफर, कहा वो बीजेपी को हराने में सक्षम। वहीं भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी कांग्रेस को समर्थन देने से इनकार किया। दिल्ली में आज कांग्रेस सीईसी की बैठक, बिहार और बंगाल के उम्मीदवारों पर होगा फैसला। कल कांग्रेस ने जारी की थी 56 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट। सोशल मीडिया कंपनियों के अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक आज। फेसबुक ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइट्स को दिशा निर्देश जारी कर सकता है चुनाव आयोग। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा। चौकीदार चोर है नहीं बोलने पर पिटाई का आरोप लगा। कांग्रेस का दावा, प्रियंका वाड्रा के खिलाफ अपशब्द बोलने की वजह से मारपीट। जम्मू कश्मीर की सभी 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना कम। जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान सुरक्षा पर बड़ा फैसला, अर्धसैनिक बलों की 800 कंपनियां भेजेगा केंद्र। चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय की बैठक में फैसला हुआ।